ने नोबिता को भी एक कलाकार बना दिया। काफी अच्छी है। तुम खुशी खुशी क्या बना रहे हो? शिजुका के अंकल आर्टिस्ट हैं, वो हमारी ड्राइंग देखेंगे, इसीलिए मैं एक अच्छी ड्राइंग बना रहा हूँ। अगर उन्हें मेरा काम अच्छा लगा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा डोरेमोन। तो ये पेंटिंग आपकी हुई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर ये सब सच हो गया तो कितना ज्यादा मजा आएगा। कभी कभी ये बहुत बहकी बहकी बातें करता है दोस्तों, जरा मैं भी देखूं। ये क्या है? हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे आप अपना काम दिखाइए। सबसे पहले मेरी वाली देखिए। वैसे मैं एक पेंटर नहीं, एक बेहतरीन सिंगर हूँ अंकल। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसके रंग बहुत अच्छे हैं। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम इसको और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल। ओह, ये तो बहुत अच्छी है। शिजुका, आप तुम अच्छी ड्राइंग करती हो। क्या कहा, सच में? पर तुमने इसमें बहुत ज्यादा फूल बना दिए हैं। अगर थोड़े कम फूल होंगे तो और भी अच्छी होगी। अच्छा। तो अब किसकी बारी है? ये देखिए, इसे मैंने बनाया है। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं ड्राइंग। तुम एक अच्छे पेंटर बन सकते हो, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। क्या वाकई? ये देखो सुनियो ने क्या बनाया है, है ना कमाल की? ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सुनियो पेंटिंग में इतना अच्छा हो सकता है। मेरी ड्राइंग भी देखिए ना और बताइए कैसी है। आपको क्या लगता है? आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या आपके पास शब्द नहीं है? मेरी पेंटिंग तारीफ से भी ज्यादा अच्छी है क्या? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये तुम्हारे बचपन की ड्राइंग है? अच्छा अच्छा, बस करो, अब रोना बंद भी करो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम अपनी तारीफ करवाना चाहते हो, है ना नोबिता? हाँ, तुमने सही कहा। चाहे वो झूठी ही हो। क्या ये कहना जरूरी था? क्रिटिक रोबोट, पेंटिंग कितनी भी बुरी हो, ये रोबोट उसकी तारीफ करेगा और इसके साथ सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। क्या ये सब इतना आसान होगा? चलो ट्राई करके देखते हैं। तुम एक बेकार सी पेंटिंग बनाओ ना। हाँ, तो वैसे भी मेरी ड्राइंग कौन सी अच्छी है? ये देखो। ये क्या बनाया तुमने, बताओ ना मुझे। ये तुम हो। बहुत खराब है। क्या कहा? मैं तुम्हारी पेंटिंग देखकर बताऊं कि ये कैसी है? बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, और अगर मैंने सच बोला तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुमने सुना मॉम ने क्या कहा? चलो अब इस रोबोट को ट्राई करते हैं। मॉम को पेंटिंग दिखाकर रोबोट का बटन दबा देना। सुनिए मॉम। और ये क्या? अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। देखा? वाह, इसके रंग कितने अच्छे हैं, ये कितना असली लग रहा है, ये तो कमाल का है। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जरा सुनिए। नहीं, मुझे नोबिता की बनाई हुई पेंटिंग नहीं देखनी, मुझे इसकी पेंटिंग नहीं देखनी, ले जाओ इसे, मुझे पता है वो कैसी पेंटिंग बनाता है। क्या काम किया है, क्या रंग है, क्या कलाकारी है, ये तो मास्टरपीस है, है ना? मैं भी हमेशा एक कलाकार बनना चाहता था, अब लगता है शायद नोबिता मेरा सपना पूरा करेगा।
वैसे ये चीज बनाकर नोबिता ने कमाल कर दिया। ये इसने मेरी फोटो बनाई है। तो तुम्हें मेरा गैजेट कैसा लगा? हाँ, ये बहुत अच्छा है और काम भी कर रहा है। लेकिन अब तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं तो। देखो, क्रिटिक रोबोट की बात कोई भी नहीं टाल सकता। अब जाकर दूसरे लोगों पर इसे ट्राई करो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। इस बार वो देखेंगे तो चौंक जाएंगे। तो ठीक है, अपना ध्यान रखना। कितनी खराब ड्राइंग है ये। तुमने फिर से दीवार पर कुछ बनाया है? नहीं नहीं अंकल, ये मैंने नहीं बनाई है, मेरा यकीन कीजिए। मैं सब जानता हूँ। इसका इस्तेमाल करता हूँ। क्या आप इसे देख सकते हैं अंकल? मैंने ऐसी प्यारी ड्राइंग पहले कभी नहीं देखी। मैं बता नहीं सकता कि मैं इसे देखकर कितना खुश हूँ। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं बनाई। बहुत बढ़िया। माफ करना, क्या तुम जानते हो पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? बिल्कुल, उस कोने से बाएं मुड़कर फिर थोड़ा आगे चलिए, उसके बाद ट्रैफिक लाइट से दाएं। वहाँ आपको फूल की दुकान मिलेगी, तो वहीं से मुड़ जाइएगा। ठीक है, आप डाकखाना पहुँच जाएंगी। आप समझ रही हैं ना मैंने क्या कहा? मैं आपके लिए नक्शा बना देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बेटे। कोई बात नहीं, ये बन गया नक्शा। सीधा जाकर यहाँ से मुड़ना है, फिर यहाँ से दाएं, उसके बाद। अरे कितना अच्छा काम कर रहे हो। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ से दाएं मुड़ना है। शुक्रिया, बहुत बढ़िया बेटे, तुम बहुत अच्छे हो। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। अगर मैंने इसको ऐसे खुले में रखा तो कोई इसे खराब कर देगा, इसलिए मैं इसे निकाल रहा हूँ ताकि घर में रख सकूं। अरे नहीं, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से नहीं हुआ। अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो परेशानी हो सकती है। पर ये गैजेट है कमाल का। अब मैं दोस्तों के पास जाता हूँ और उन्हें अपनी ड्राइंग दिखाता हूँ। वाह, बहुत अच्छी बॉलिंग। पता नहीं सोनियों की बुरी आदतें कब तक ठीक होंगी। क्या हुआ? अरे ये कैसे हो सकता है? इसे देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये रहे जियान और सुनिया। सुनो। क्या कहा तुमने? फिर कुछ बनाया है क्या? देखो, मैं खुद भी एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम देखना चाहूँगा। दिखाओ, लेकिन अगर मेरी हंसी ना रुके तो कुछ कहना मत। देखकर हैरान मत हो जाना। वो कहाँ गया? अरे मुझे भी देखने दो। अरे ये नीली नीली क्या चीज है? तुम अभी मेरी ड्राइंग को नहीं देख सकते। जरा इसकी तरफ ध्यान से देखो जियान, कैसी अजीब सी पेंटिंग है। तुम्हें मेरे जैसा आर्टिस्ट बनने में बहुत वक्त लगेगा। अरे उसे मैंने कहाँ गिरा दिया। गैजेट मिल क्यों नहीं रहा? अरे चलो चलो, हमें भी देखना है। अरे चलो चलो, हमें भी देखना है। आप सभी लोग शांति बनाए रखें। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप सभी लोग शांति बनाए रखें। मेरे घर के बाहर इतनी भीड़। मम्मा मम्मा। अरे ये यहाँ पर क्या चीज है? जरा इसे देखो, ये तो कमाल की पेंटिंग है। आप लोग यहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। सब लोग ध्यान से देखिए, ये सच में असली कला का नमूना है। ये बहुत ही बेमिसाल है। ऐसी जबरदस्त पेंटिंग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी और ना ही बनाई। अरे वाह मेरा प्यार,
मेरा बेटा। देखिए सोनिए, ये पेंटिंग इस बच्चे ने बनाई है। अब मुझे छोड़ दीजिए मम्मा, मुझे जाने दीजिए। तुमने कमाल कर दिया सोनियो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने कमाल कर दिया। ऐसी पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। मैं बहुत खुश हूँ। अरे नहीं, कोई ऐसा बंद करवा दो प्लीज।